नमस्कार आरती न्यूज में स्वागत है इस वक्त हमारा साथ सुपरस्टार पवन पांडे हैं राइटर हैं खेसारी लाल यादव से लेकर पवन सिंह तक गाना देने वाले आज नए साल में सबसे पहले स्वागत है पवन पांडे जी चलिए नमस्कार सभी को 2024 की हार्दिक शुभकामना और आपका भी स्वागत है बिल्कुल लेकिन दो में क्या हंगामा होगा पवन सिंह के साथ होगा कि खेसारी लाल यादव के साथ होगा अभी देखिए किसके साथ होगा अभी चौबीस शुरू दो दिन होता है फिर अभी चली लेकिन उम्मीद का चाहतन दर्शकों के देवल चाहतन उम्मीद चाहतन में चाहते हल्का होगा तेईस में नरम रहनी चौबीस में गरम साथ खेसारी जी के साथ की पौन जी के साथ पहले का खेसारिये जी के साथ हुई देखिए नाराज हो जाएंगे पौन सी के दर्शक नाराज हो जाएंगे क्योंकि नए नए जुड़े हैं आप पौन सी के साथ तो पौन सी को देना चाहिए हम सबके साथ जुड़े हुए हैं हाँ। हाँ, पहला प्राथमिकता खेसारी का है लेकिन पांच तारीख के जन्मदिन है पवन सिंह के उसमें आप जा रहे हैं मुंबई की नहीं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना उनको पांच जनवरी को है और मेरे तरफ से नहीं पूरे भोजपुरी तरफ इंडस्ट्रीज के तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना है और हम बॉम्बे नहीं जा रहे हैं इसलिए अभी हम देख रहे हैं घर पे काम करवा रहे हैं बिल्कुल क्या निमंत्रण नहीं मिला है क्या चुनु आदमी को मिला हुआ है है निमंत्रण में भी चार पांच दिन दे रही हाँ। तो मिली सकेला अभी <laughs> तक नहीं आया है। आज दो तारीख है दो तारीख इंटरव्यू कर रहे हैं पवन जी के क्लोज अभी नए नए जोड़े हैं बहुत हिट पर हिट गाना दे रहे हैं पवन सिंह के यानी पवर स्टार के लेकिन निमंत्रण नहीं आया है कब आएगा ये देखना होगा पवन जी देंगे तो जाएंगे या नहीं जाएंगे अब जा नहीं पाएंगे इसलिए कि हम हमारा काम है देखिए आप नहीं जा जाएंगे तो निमंत्रण नहीं आएगा अरे दादा तो निमंत्रण काम करवा रहे काम आप तो देखे शुरू में गांव पे बनवा रहा हूं, अपना रहा अपना सेटअप पूरा लगवा पांच तारीख जो पवन सिंह के हर साल जो गाना आता है जन्मदिन पर सनी लिवन के साथ बड़ा यानी करोड़ों का ये बजट का वीडियो है भोजपुरी के एक लकीर होने जा रहा है उसके लिए क्या कहिएगा पवन पांडे जी हाँ बढ़िया है और भोजपुरी जितना आगे जाएगी हम लोग को खुशी होगी और आज सनी लेवन कल थी दीपिका पादुकोण आलिया भट्ट सबके साथ भोजपुरी का गाना है ये हम लोग चाहते हैं अच्छा लगेगा जरूर अच्छा लगेगा खूब अच्छा लगेगा तो स्पेशल यानी पवन सिंह के जन्मदिन के क्या बधाई देना चाहते हैं अपने गाना के माध्यम से उस गाना के गाइए की जबरदस्त तरीके से हंगामा होना चाहिए मेरे तरफ तो से हार्दिक शुभकामना एक देवी गीत गा देते हैं उन्हीं का देवी गीत है और जन्मदिन में खुशियां है माता जी का भक्त है हाँ। वो भी माता जी के भक्त हैं लेकिन उनके उनके नाम लेकर गाइए ना पवन सिंह के नाम लेकर बधाई तो तो लिखना पड़ेगा तब तो ना नहीं आप तो राइटर हैं ऑनलाइन भी लिख सकते हैं कोई भी आधार पर लिख गा दीजिए कि सब क्या देहले बारू के चाही हर जान देश दुनिया ओह जगह भेजाई अत हरा अचारा के तनिकास प्यार मांगेला कि माथे रख दाना माई चुनरिया क्या बात है दुलार मांगेला ये पवन पांडे है दोनों एक ही राशि के हैं हाँ आंधी तूफान है ये लोग आंधी तूफान चलते हैं एक तरफा चलता है चलते हैं ये पवन पांडे और पवन सिंह ये सबसे सब बड़ी खबर क्या भैया आंधी तूफान है हवा कभी रुकता नहीं है कोई खबर आपका नहीं दुखा रहता है कोई खबर आपका बड़ा रहता है आ, लेकिन देखिए आप खेसारी लाल यादव के टीम से हैं दहिना हाथ मान, मान, माना जाता है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के जन्मदिन पर पांच तारीख के जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो खेसारी जी बताएंगे आप नहीं बताएंगे हम कैसे बताएंगे अब आपके क्या मोमेंट लग रहा है पहला सवाल आपका क्या होगा हम कैसे बता सकते क्या मोमेंट लग रहा है क्योंकि टीम से है यह बहुत बड़ा खबर है ये दर्शक लोग जानना चाहता है कि एक मंच पर हो गए अभी काम छोड़िए मोबाइल अभी के खेसारी जी को अगर निमंत्रण जाएगा तो बॉम्बे में रहेंगे तो जरूर जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे कहीं विदेश में रहेंगे तो जाना चाहिए चाहिए निमंत्रण भेजेंगे वो लोग तो कहीं नहीं जाएंगे सारा लोग के निमंत्रण किया गया

लेकिन क्या एक मंच पर होना चाहिए सनी लियोन के साथ डांस होना चाहिए खेसारी जी के जरूर जरूर अगर खेसारी जाएंगे जन्मदिन तो इसके पहले भी जाके केक काटते हैं खेसारी जी उनके यहाँ कोई मनाया थोड़े केक काटते लेकिन ये जबरदस्त तरीके से ये मनाया जा रहा है हाँ। सनी लियोन के साथ डांस होगा भोजपुरी के कलाकार के ठुमका लगेगा आप जा रहे हैं कि नहीं पहले ये बताइए हम लोग जाए चाहे नहीं जाए लेकिन आप लोग से पूछना जरूरी है अरे तो आपका भी तो जाना जरूरी है इधर आता तो चल जाते बॉम्बे है बहुत खर्च लगेगा आए आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम लोग अरे यार बिना बुलाए कहीं चले जाते हो मैं बिना बुलाए चले जाइए कोई बात नहीं हम लोग तो पवन सिंह के साथ शूटिंग किए हैं अभी पावर स्टार फिल्म आ रहा है कोई बात नहीं है अरे पवन जी आपको निमंत्रण नहीं दे अगर बढ़ तो बहुत मानते हैं आप मानते हैं आज तो आपको निमंत्रण अगर पवन सिंह जी नहीं दे रहे हैं ना फिर भी आप जाइए टिकट करा के हम टिकट करा देते हैं आपका कह आप जाइए और खड़ा हो चाहिए ये शुरू से ही मदद किए हैं शुरू से ही भोजपुरी लाइन में लेने वाले पवन पांडे हैं आरती न्यूज है जो इनके बदौलत है आज भी खुल कर कर कहता हूँ क्योंकि ये सपोर्ट किए हैं पटना में बहुत सपोर्ट किए हैं तब कोई मीडिया में हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबसे भोजपुरी में हम आए

पूछते थे कि ये बुलाते थे कि आज ये ऑफिस में तो सोचते थे अरे ये खाती हती ये राइटर लोग ऑफिस खोल दे बा, बाकी जाने के बाद स्वर्ग मिला यार गगन अपार्टमेंट में ये बुलाने वाले पहला व्यक्ति हैं कि हम लोग पहुँचे हैं भैया सही बात है वहाँ सब लोगों का जुटान हुआ और लोगों को एक जगह मिला कि हाँ यह गाना मिलता है मिलता है ये सच बात है कि भोजपुरी के नंबर वन राइटर हैं हमारा साथ लेकिन पवन सिंह के पाँच तारीख के जन्मदिन है बहुत ऐतिहासिक होने वाला आपको जाना है जरूर जाइए और वहां जाके के साथ अपना रील डांस करो। बिल्कुल चलिए मैं वादा करता हूँ इसी लाइफ में हम लोग बॉम्बे जाएंगे आ, जाएंगे तो जाएंगे जब तक तोड़ेंगे लेकिन जन्मदिन पर एक और गाना होना चाहिए एकदम पवन भाई के नाम पर होना चाहिए भैया पता कोई नहीं और गांधी अच्छा लगे देखा अब कोयलिया लगाना हमला याद नहीं क्या? कौन बात दूसरे कादी? <laughs> कौन <आरे>। लगाना गाय? हम्म <laughs> हम्म कि जाम आर धीरे बोला है कोयलिया धीरे बोला हो कि मैया मर जाएगा यह हो कोयलिया धीरे बोला हो धीरे बोला है कोयलिया धीरे हो देखिए बहुत अच्छा लगता है ये अच्छा ये बताइए खेसारी लाल यादव सभी चैनल से नहीं गा रहे हैं पवन सिंह के लगातार सभी चैनल से गाना आ रहा है थोड़ा क्रेज डाउन हुआ है या नहीं हुआ है कहाँ डाउन हुआ है एकदम नया साल का गाना है नंबर वन ट्रेंडिंग और दो नंबर ट्रेंडिंग पर टीजर कहाँ से क्रेज डाउन है खेसारी जी का नंबर वन पे गाना है और सेकेंड नंबर पर टीजर है ट्रेंडिंग में नींबू खरबूजा दो सप्ताह में पंद्रह दिन में पचास मिलियन तो क्रेज कहाँ डाउन सभी लोग बोल रहे हैं तो साफ साफ ये जानना जरूरी है कि क्रेज नहीं गिरा है क्रेज गिरा होता तो पंद्रह दिन में पचास मिलियन किसका गाना है बताइए बिल्कुल किसी का गाना बताइए जो पंद्रह मिलियन ये तो पुराना डब की पुराना गाना है नीबू खरबूजा भाई लेकिन नया वर्जन में किया तो गया तो चैलेंज है ना हाँ। जामना में से रस निकाल में से फिर एक गिलास रस निकालते तो निकाल देता अच्छा अच्छा <laughs> चलिए खेसारी लाल यादव के जो टीम है कृष्णा बेदरदी पवन पांडे ये महेश परदेसी का टीम था उसमें कि, कि किसका ये गाना लिखा हुआ है नीबू खरबूजा भाई ये कृष्णा जी का गाना लिखा था है। सबसे बड़ी खबर वही सजेस्ट दिए होंगे कि ये नया से लाया जाए नहीं रील पे वायरल हुआ था ना तो रील पे वायरल हुआ था तो इसको भर्जन करना जरूरी है लेकिन खेसारी लाल यादव और आप लोग का जोड़ी हिट रहा अभी तक हिट है इसके लिए क्या कहिएगा जीवन हिट रहेगा चूंकि जोड़ी में क्या है कि कोई खटास नहीं है और जोड़ी में क्या है की कोई ये अंदर सा स्वार्थ नहीं है ना उनका स्वार्थ है ना मेरा स्वार्थ है तो ये जोड़ी कभी भी चले खेसारी जी के साथ आ, आ, आएगा आपका खरवासवाद आएगा खरवासवाद लगन में वाला बहुत सुंदर गाना आ रहा है बताएंगे नहीं चोरी हो जाएगा पहला ही गाती ये देखिए सबसे बड़ी खबर है आए ये जबरदस्त तरीके से गाना लाएंगे खेसारी जी की आवाज में किस कंपनी से आएगा खेसारी म्यूजिक हाँ बेबी मेरा एक होली भी टेंड कर रहा है सोनू सोनू जी के गन्ना एक फिल्म गन्ना हम कि हमर सैया जी दाले दलानी में छोटका देवरा वो छोटका देवरा डाला तपलानी में दैया मर गई नी रंग बहुत अच्छा रील्स पे, पे ट्रेंड चलिए होना चाहिए लेकिन पौन सी के साथ कब गाना आएगा देखिए कब आएगा देखिए नहीं ये साफ साफ कहना हो रिकॉर्डिंग तो होगा तब ना आएगा क्योंकि आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं खेसारी जी पर कौन सी पर नहीं दे रहे सब पर ध्यान दे रहे जो भी खोजेगा उसके लिए गाना रेडी है मेरे तो पहले आप ध्यान देंगे खेसारी पर पौन सी पर नहीं जो पहले आएगा उसी पर तो ध्यान देंगे पहले <laughs> चलिए होता है ये जोड़ी हिट है क्योंकि खेसारी लाल यादव के राइटर हैं चलिए बहुत बात हुआ लेकिन ए, ये आपको जाना चाहिए जन्मदिन पर बधाई देना चाहिए कोशिश करते हैं आप कह रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कोशिश नहीं करना चाहिए जाना चाहिए हम लोग भी देखेंगे कि नहीं भाई वहां से आएंगे तो आप लोग से फिर इंटरव्यू होगा कि क्या मोमेंट रहा हुआ? वहां के माहौल कैसा रहा हिंदी भोजपुरी मिलकर आप जाइए रहे अभी कह रहे कि हम जा रहे हैं अभी कह रहे कि यहाँ देखेंगे नहीं जाएंगे भविष्य में आए हम लोग भविष्य में नहीं जाएंगे तो आप लोग से पूछे फ्लाइट में ला देंगे आप चले जाइएगा ठीक <laughs> है उम, ऐसा उम्मीद होगा तो हम लोग भी जाएंगे और पवन भैया आप भी जाइए आशीर्वाद दीजिए पवन सिंह के क्योंकि आप भोजपुरी के नंबर वन कला आर्टिस्ट हैं कलाकार हैं राइटर हैं गाना भी गाते हैं यार ऐसा ही लोगों के जाना चाहिए और पवन सिंह को बुलाना चाहिए फोन करके क्योंकि इनको पवन सिंह मानते हैं बहुत नहीं ये अच्छा संबंध है हमारा उनका और कभी भी हम लोग मेरा भी इंटरव्यू में बोले हैं कि क्यों नहीं साथ है बहुत सारे लोग का चर्चा चलते रहता है मेरा कोयलिया गाना आने के बाद भी बहुत सारे लोग के पास चर्चा चला कि नहीं भाई गाना उनके देवी गीत का सबसे बेहतर गाना लेकिन पवन सिंह तो बहुत दिल से मानते हैं कि हाँ बाबा बाड़े हमारे हवन तो केहू दिल से मानी जब हम दिल से मानी तो चालू हो गया गलत अगर कोई करेगा तब ना गलत करिएगा <laughs> देखिए अब लोग तो विवाद करवा देते हैं लेकिन होना नहीं चाहिए यार हम लोग भोजपुरी एक है खेसारी जी पवन जी सारा लोग एक है। हम लोग लखनऊ में एक मिलवा दिए एकदम एकदम हम पहला ही से अनाउंस कर रहे थे ना कि मिलेंगे वो लोग तब बहुत बड़ा खबर जो बोलते हैं होता है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार आरती लाइव छपरा बिहार